अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है मैंने बताऊँ कि वो है हाथों की जो रिंकल्स आ जाती हैं। वैसे ही अब विंटर चल रहा है और विंटर में तो हैंड इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कि इनको मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, स्किन के फेस की स्किन से ज़्यादा। बिकॉज जो हाथों की स्किन है वो फेस की स्किन से ज़्यादा हार्ड होती है। फेस की स्किन ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, बट हाथों की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इनको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत भी डबल पड़ती है, ठीक है। इनको ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं आपको हैंड स्क्रब बताऊँगी करना, जिसको आप इंशाल्लाह बना के देखेंगे तो आपके हैंड्स पे जो रिंकल्स आ गए हैं वक्त से पहले वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्रब के बाद आपको एक क्रीम बनाना बताऊंगी, जिसको आप डेली नाइट में यूज़ करेंगे तो उससे आपके पूरे दिन में हैंड्स फीट वो हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा ग्लो भी करेगा। और फिर शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। सबसे पहले जो स्क्रब बनाना है उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मलाई। मलाई हर घर में मौजूद होती है और यहाँ मैंने दी घर की मलाई है और ये मैंने 2 चम्मच यहाँ पे ली है, ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो एक जैसी हो जाए लेवल, इसका मलाई का एक जैसा हो जाए, कोई भी जो है ना वो गोल्ड की टाइप ना रह जाए, ठीक हो गया। इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट जो डालेंगे वो होगा चीनी। चीनी हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड कर ली है। इसको अब हमें मिक्स करना है कि जो इसमें ये शुगर की जो ज़रात हैं वो थोड़े से मिक्स हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा मिक्स भी नहीं करने हैं और ज़्यादा इसको परमानेंट भी नहीं रहने देना कि जो चीनी है वो ज़्यादा ही फील होती हो। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा बहुत ही अच्छा स्क्रब रेडी हो गया है। इसको आप अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, दोनों पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रब 5 से 10 मिनट अपने हाथों और पाँव पे इसका मसाज करेंगे स्क्रब का। और इसके बाद आपने सिंपली गर्म पानी से अपने हाथों को धो लेना है, साबुन से नहीं धोना, गर्म पानी से, नीम गर्म पानी जिसे बोलते हैं उससे अपने हाथों को धो लेना है, ठीक है। और ये जो है इतनी क्वांटिटी जितनी मैंने बनाई है ये कम से कम 1 हफ्ता आराम से निकल जाएगा, ठीक है। स्क्रब इसको आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा स्क्रब लाजमी करना है। और इसको आप रख सकते हैं सेफ किसी भी बोतल में डाल के, ये कोई भी ख़राब नहीं होगा, बिकॉज विंटर का सीज़न है और विंटर में चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये तो हो गया स्क्रब। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि आप जो है क्रीम वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे। इसमें हम लेंगे एक साफ बॉल ले लिया है हमने, इसमें हम डालेंगे देसी घी। हाँ, घर में देसी घी होता ही है, यूज़ करते ही हैं तकरीबन सब लोग। अगर घर में नहीं है अवेल तो बाहर से ले सकते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे देसी घी का 1.5 चम्मच लूँगी। ये बहुत अच्छी आपकी क्रीम रेडी होगी और पूरा दिन, रात को बस लगाएंगे, दिन को कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। ये मैंने 1.5 चम्मच देसी घी लिया है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी वो होगा ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल के मैं डालूँगी यहाँ पे 2 चम्मच। ठीक हो गया। अब इसमें जो मैं तीसरा इंग्रेडिएंट डालूंगी वो होगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे तो ये जो देसी घी भी डाला है ये भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारी जो स्किन को जो एजिंग लेवल क्रॉस कर रहे होते हैं या एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है वक्त से पहले ही, उसको रोकता है, ठीक है। और ग्लिसरीन ये हमारे स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग देती है और स्किन को बहुत अच्छा फ्रेश भी कर देती है। मैंने यहाँ पर लिया 1 चम्मच ग्लिसरीन। और फोर्थ पे हम लेंगे 1 चम्मच वैसलीन। 1 चम्मच लेंगे वैसलीन का। ये 1 चम्मच वैसलीन का ले लिया, वैसलीन का भी ऐड हो गया। अब हम इन चारों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये चारों चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग प्रदान करेंगी, स्किन में लॉक करेंगी मॉइस्चराइज को।
जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो सारा दिन ग्लो करेगी, ठीक है। और जो वक्त से पहले आपके हैंड्स पे रिंकल्स आ गई हैं, जो 10 के निशान भी इवन के हो जाते हैं जब सूरज की रोशनी में हम बैठते हैं, तो स्किन जगह जगह से ना इवन टोन नहीं रहती है, कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको भी ये ना इवन टोन में लेके आती है, यानी कि एक जैसी कर देती है, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी इसकी क्रीमी फॉर्म में बन गई है। इसको आपने किसी भी कंटेनर में डाल के महफूज कर लेना है, और ये आपकी ज़्यादा 1.5-2 महीने आराम से इतनी क्रीम जो है ना वो आपकी यूज़ हो जाएगी 1.5-2 महीने के लिए, यानी कि ये क्रीम हमारी रेडी हो गई है। और ये इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपने मुझे बताना भी है, ठीक है। आपको 2 दिन के अंदर ही, बल्कि फर्स्ट यूज़ में ही आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। ये देखें, और इसकी आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है वरना चिपचिप होगा इसकी। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इतनी सी क्वांटिटी लेंगे आप, थोड़ी सी ही, तो ये इनफ होगी, ठीक है। इसको हाथ में ही ऐसे लेके, हाथों से ही ऐसे ऐसे रब करेंगे, तो ये इसको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये रब करने से ही अच्छा खासा हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसको आपने अपने हाथों पे ऐसे पहले स्क्रब करना है, ठीक है। स्क्रब करने के बाद आपने इसको रात को लगाना है और डेली ही लगाना है, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप इंशाल्लाह मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। आई नो जो भी इसमें चीज़ें ऐड हैं वो सबकी सब बहुत ही नेचुरल हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं, और ये सब चीज़ें ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कर दिया करें, किसी दूसरे का भी भला हो जाए। और ये क्रीम बना के बता दी मैंने आपको, स्क्रब बता दिया, स्क्रब हफ्ते में आपने 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है, और रात को ये डेली यूज़ करना है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा 20 साल की जैसे आप लगेंगे, कि जैसे 20 साल की लड़की के हैंड होते हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये टिप। तो मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।